नमस्कार दोस्तों, न्यूजीलैंड दौरे में टीम इंडिया को पहली तीन मैचों में जीत हासिल करने के बाद तगड़ी हार का सामना करना पड़ा है। विराट कोहली के बिना रोहित शर्मा की कप्तानी में उतरी टीम इंडिया को पहले न्यूजीलैंड ने केवल 30.5 ओवरों में 92 रन पर समेटा और उसके बाद 14.4 ओवर में केवल 2 विकेट खोकर निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मैच में टीम इंडिया की हार का प्रमुख कारण भारतीय बल्लेबाजी ही रही। चलिए आपको बताते हैं वो चार कारण जिसकी वजह से टीम इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ा। कारण नंबर एक, टीम इंडिया की कमजोर बल्लेबाजी। बेशक टीम इंडिया की कमजोर बल्लेबाजी ही रही जिसकी वजह से टीम इंडिया को इस तरह की हार झेलनी पड़ी। रोहित शर्मा शुरू से आत्मविश्वास में नहीं दिखे तो शिखर धवन को अति आत्मविश्वास ले डूबा। वे बोर्ड की स्विंग को सही नहीं समझ सके और LBW आउट हो गए। इसके बाद रायडू और फिर दिनेश कार्तिक के सस्ते में आउट होने से टीम पर दबाव बढ़ गया। ऐसे में केदार जाधव भी धवन की तरह ही LBW आउट हुए और टीम इंडिया इतने दबाव में आ गई जिससे वो उभर न सकी। कारण नंबर दो, टीम इंडिया में रणनीति का अभाव। टीम इंडिया इस मैच के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिखी। टीम की बेंच स्ट्रेंथ को जांचना एक अलग बात है और बिना रणनीति के उतरना एक अलग। ट्रेंट बोल्ट ने अकेले ही इतना दबाव बना दिया कि उससे उबरना टीम के लिए नामुमकिन था। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या टीम मैनेजमेंट ने बोल्ट की गेंदबाजी को खेलने की कोई रणनीति बनाई भी थी या नहीं। कारण नंबर तीन, ट्रेंट बोल्ट की शानदार गेंदबाजी। ट्रेंट बोल्ट ने पिच का और भारतीय बल्लेबाजी का शानदार फायदा उठाया और सभी भारतीय दिग्गजों को पवेलियन की राह दिखाकर ऐसा दबाव बनाया कि टीम इंडिया उससे उभर ही नहीं सकी। बोल्ट ने शिखर धवन, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केदार जाधव और हार्दिक पांड्या के शानदार विकेट लिए। बोल्ट ने सधी हुई गेंदबाजी की और अपने 10 ओवर के कोटे में केवल 21 रन देकर 5 विकेट अपनी झोली में डाल दिए। कारण नंबर चार, विलियमसन की सटीक रणनीति। टीम इंडिया को हराने में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की रणनीति की अहम भूमिका रही। विलियमसन ने जब देखा कि टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित और शिखर आउट हो गए हैं तो उन्होंने 10 ओवर के बाद ट्रेंट बोल्ट को नहीं हटाया और उनसे ओवर कराते रहे जिसका पूरा फायदा टीम को मिला। इसके बाद 92 रनों का पीछा करते हुए भी विलियमसन ने अपने बल्लेबाजों को आक्रामक खेल दिखाने को कहा जिससे टीम पर ज्यादा दबाव न पड़े। पहले 7 ओवरों में 2 विकेट खोने के बावजूद टीम की रणनीति काम कर गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और क्रिकेट जगत की हर ताजा खबर के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक 7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।